इस गांव को इस भूमि को इस परिसर को इस इलाका के जनता को शिव की कृपा प्राप्त हो चुकी, इसलिए हम सभी उत्साहित हो सकते हैं कि निश्चित ही हम पर कृपालु हैं, हम पर दयालु हैं और हम पर कृपा कर रहे हैं। तभी ऐसा संजोग बन सकता है कि हम आज शिवाचना में यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसलिए यह अवसर हम लोगों के लिए विशेष फलदायी है। इतना आप विशेष उपयोगी ही नहीं फलदायी है, जीवन को सार्थक करता है। यहाँ की उपस्थिति हमें बोध कराती है कि हम भी उस श्रेणी में है जो रास्ता वहाँ शिव की ओर जा रहा है, हम भी उस रास्ते पर चल पड़े हैं, इसलिए हम भी शिवार्चना की पथिक है। तो ऐसा पथिक बन के हमें जो उत्साह और ऊर्जा पैदा होती है वो ऊर्जा निश्चित रूप से हमें ऊपर ले जाएगी, जिसकी आराधना साधना तपस्या लोग आजीवन करते रहते हैं। भारतीयता की चर्चा करते समय आदरणीय पूर्व विधान सभा सदस्य राय जी यहाँ उपस्थित है, उनका संबोधन लोगों को सुनना है और भारतीयता सनातनता सनातन शब्द सुनते हैं बहुत और व्याख्या करते रहते हैं, फिर भी वो पूर्ण व्याख्या नहीं हो पाता है और उसमें अधूरा ही रह जाता है, अनेक जिज्ञासाएं छुपी रहती है, उसका समाधान नहीं हो पाता है। ये सनातन है जो हम सनातन सनातन करते रहते हैं। सनातनता क्या होती है? जो अविनाशी जो था है कहा है और रहेगा वही सनातन है, अन्य सभी चीजें परिवर्तनीय है इसलिए सनातन नहीं है। जो अपरिवर्तनीय है वो सनातन है और अपरिवर्तनीय चीज वास्तव में उस महान तत्व के प्रति सनातन है, इसलिए सनातनी है और शिवार्चना में उपस्थित हुए, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है कि हम आस्थावान है क्योंकि हम सनातन विश्वास करते हैं, इसलिए हम सब सनातनी है। ये निश्चित होता है शिव की अर्चना में सर्वाधिक वैसे देवों में भी, और हम तो खुले में विश्वास करने वाली बात नहीं है कि आप यहाँ से पूजित कीजिए उधर से पूजित कीजिए पूजित कीजिए किसी भी देवता को देवी को पूजिए, सभी रास्ते उपेक्षित लोग जाते हैं। एकम सत्य सत्य एक ही है, ईश्वर एक ही है, संसार का रचयिता एक ही है और विप्राह विप्राह कौन है? ज्ञाता जानकार, और शिव को ब्रह्म को जानने वाला वो क्या कहते हैं? विप्राह बंधा बदन जो है कहते हैं कि आप किस रास्ते से जाइए, वो भी इसी मंच पर आएगा, किस रास्ते आगे वो भी इसी मंच पर आएगा, बाएं से आइए दाएं से आइए उधर से आइए कोने से आइए किसी कोने से चलिए वो रास्ता इसी मंच पर जाता है, और विपरीत अनेक अलग अलग रास्ते भले ही बतलाते हैं स्थान वही निर्दिष्ट है जहाँ जाना है तो आराध्य की ओर जाना है, परमेश्वर की ओर जाना है, तो वो परम सत्ता एक ही है और वो परम सत्ता शिव है। हम आप सभी जानते रहे हैं ब्रह्मा विष्णु के संबंध में आपने आपने पैदा किया है, ब्रह्म भी पैदा किया है, कौन बड़े हैं ये है इस तरह से भी चर्चा हुई है, और उसमें भी सिर्फ शिव की ही है कि जिसका अनाद अनंत सिद्ध हो चुका है, जो अनाद है जो अनंत है बिना पैदा संपूर्ण। जहाँ तक संगीत और शास्त्र भाषा शब्द की बात हो आती है तो वहाँ भी कालिदास को हम लोग जानते हैं, लेकिन कालिदास ने क्या कहा है? कुछ भी प्रॉब्लम हो ठीक है, अब हम तो स्मरण की बात होती है।
कौन से बताओ ना कौन जब लाइट चलेगा मजबूरी में जाता भी नहीं हूँ लेकिन कैमरा तो ठीक है शब्द और अर्थ बिना अर्थ के शब्द के अब बिना अर्थ के बिना शब्द के अर्थ नहीं और अगर अर्थ नहीं है शब्द नहीं है शब्द नहीं है अर्थ नहीं है उसी तरह से उन्होंने शिव और माँ का और कई बात हो जाएगी अभी से ये कहेंगे कि शिव की अर्चना के लिए उपस्थित हुए और ये अवसर हमें भूमि पर प्राप्त हुआ है इसीलिए आज हम सभी यहाँ आकर धन्य हैं और उसमें भी विशेष रूप से धन्य हैं कि जगत को शंकराचार्य के प्रति से इसका प्रारंभ और प्रतिमान का अनेक शुभलक्षणों में एक शुभलक्षण है इस शुभलक्षण पर आकर शिव की कृपा बनी रहे ये थे हमारे शिरोमणि विद्वान।